हम सब प्योरिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जैसे जिंदगी में ठोकरें मिलती हैं, वैसे तुम्हारा प्योरिज्म भी कम होता रहता है। तो वो हाँ पॉइंट जहाँ फिर तुम्हें लगता है, यार छोड़, ये थोड़ी मेरा बिल भर रहे हैं, ये मेरे को क्रिटिसाइज करके थोड़ी मेरा मेरे ईएमआई दे रहे हैं, तो हाउ डज इट मैटर सो इट्स बेसिकली फॉर योर पीयर्स ओनली, बेसिकली ऑल ऑफ दिस प्योरिस्ट एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। भाई। देख, हमारा हमारा इंडिया का सीन बहुत अलग है, अमेरिका का सीन बहुत अलग है। इन अमेरिका लिरिसिज्म कैन एग्जिस्ट विदाउट एनीथिंग एल्स ऑल्सो, एंड लिरिसिज्म कैन को एग्जिस्ट विद अदर फॉर्म्स ऑफ हिप हॉप ऑल्सो। इन इंडिया द सीन इज नॉट दैट बिग। इंडिया में हर चीज इज एट फेस वैल्यू कि भाई यही है, जो ये कर रहा है यही है। ये नहीं कि भाई ये भी बंदा कर रहा है कुछ, बट ये बंदा भी कर रहा है कुछ, हाँ और इसके लिए ऑडियंस अलग हो सकती है और इसके लिए अलग हो सकती है। नहीं भाई, वो हेटर जो आते हैं ना, वो सबके एक ही, वो एक ही हेटर होता है, वो सबके वीडियो पे आता कि दिस इज बेस्ट, दिस इज ये हाँ, हमारा, कि ये बंदा बेस्ट है, लाइक कर दो मेरा कमेंट, वो ही हाँ हर जगह आते हैं भाई। कमेंट फॉर दिस, लाइक फॉर दिस। हाँ, ये वही भाई, सीन तो वो है ना। तो आप क्या बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो कि भाई मेरे को ये अच्छा लगता है और ये ही है, और भाई ये ही बंदा है और कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। सही बात है। मैं तो ऑनेस्टली, मैं तो अपने जो फैंस हैं या जो भी whoever listens to me, I would tell them also, there is no need to do that. देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट What बेसिकली। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम्हें अच्छा लगता है, एंड दैट्स कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल। बट ट्रू जो किसी और को अच्छा लगता है वो उनको अच्छा लगता है भाई। श्योर। तुम जाके वहां गाली दे के आओगे, उससे बदलेगा नहीं उनका ओपिनियन, उल्टा क्या होता है, उनका स्टांस हार्डर हो जाता है। हाँ करेक्ट, ये सही क्योंकि बात है। अगर मैं किसी का फैन हूं और मेरे को कोई आके गाली दे के जाए और बोले भाई वो तो ये है, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो डिफेंसिव हो जाऊंगा ना। मैं अपना, आई एम नॉट गोइंग टू ओपन माई माइंड एंड से हाँ मे बी वो सही है। मैं रिस्पॉन्ड भी गाली से ही करूंगा, तो क्या जनता होता है अच्छी बातें भाई। लिखे, जनता ओपी हो जाए सबके चैट में। तो मेरे हिसाब से भाई